नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने बताया कि 9 मार्च से 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो जाएंगी। JEC की तरफ से बताया गया है कि दोनों परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू होकर 26 मार्च तक चलेंगी। हालांकि अभी परीक्षा की पूरी डेटशीट जारी नहीं की गई है। दरअसल झारखंड बोर्ड के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह ने परीक्षा की तारीखों की घोषणा करते हुए कहा, राज्य में 10वीं और 12वीं की परीक्षा 9 मार्च 2021 से शुरू हो जाएंगी। ये परीक्षाएं 26 मार्च तक चलेंगी। इसकी विस्तृत डेटशीट जल्दी चेक की वेबसाइट jec.nic.in पर जारी कर दी जाएगी। स्टूडेंट इसे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। गौरतलब है कि जैक अध्यक्ष ने तमाम परीक्षा केंद्र संचालकों को जल्द से जल्द परीक्षा केंद्रों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा तमाम परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरा को भी सही ढंग से इंस्टॉल करने का निर्देश दिया गया है। इस बार 60% सिलेबस के तहत ही परीक्षा ली जाएंगी और इसी के तहत परीक्षार्थियों को परीक्षा की तैयारी भी कराई जा रही है। आपको बता दें, इस साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में लगभग 7.5 लाख छात्र हिस्सा लेंगे। बता दें, 22 दिसंबर से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए फिजिकल तरीके से स्कूल भी खोले गए हैं। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी को लेकर शिक्षकों से परामर्श भी ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें, साल 2020 में 11 से 28 फरवरी तक मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित हुई थी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में 6 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था। मैट्रिक परीक्षा को लेकर जहां 951 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, इंटरमीडिएट के लिए 471 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। वहीं साल 2020 में 11 से 28 फरवरी तक मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित हुई थी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में 6 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था। मैट्रिक परीक्षा को लेकर जहां 951 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, वहीं इंटरमीडिएट के लिए 471 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस बार COVID-19 महामारी के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।